बिहार सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खोला जा रहा है, जिस कार्यक्रम में सिरसिया पंचायत के एकहरिया गांव में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कार्यालय का उद्घाटन मुखिया एतवारी देवी ने फीता काट कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में चनपटिया प्रखंड विकास पदाधिकारी आमंत्रित थे। इसके अतिरिक्त प्रखंड के मुखिया प्रमुख बीरेंद्र मांझी, पंचायत सचिव रामचंद्र काजी, पंचायत कार्यपालक सहायक रोशनी, पूर्वी तुरहा पट्टी वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य हेमा झा तथा प्रखंड के अनेकों पंचायत के कार्यपालक सहायकों में नवीन कुमार पोखरिया, शालिनी कुमारी, सोनी कुमारी, रुचि कुमारी, आकांक्षा कुमारी आदि एवं पंचायतवासी ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित रहे। प्रमुख बीरेंद्र मांझी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दीनबंध दिवाकर ने ब्यूरो से साक्षात्कार में बिहार सरकार की नीतियों तथा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवा और सुविधाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी, जिससे वास्तव में लोगों की परेशानी व समय के साथ परिवहन खर्च में काफी मदद मिलेगा। सिरसिया पंचायत के अंतर्गत एक रहिया ग्राम में आरटीपीएस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। यहाँ मैं अभी उपस्थित हूँ। मुख्य अतिथि वीडियो साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी अतिथि है। उनका इन्होंने काका है, वो एतवारी देवी है जो यहाँ के मुखिया है। बाकी यहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे लोग इकट्ठा है, खुला है। इससे उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या इससे वो संतुष्ट हैं, क्या परेशानी थी उनकी, और यह है आरटीपीएस काउंटर खुल जाने के बाद उन्हें क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, उन लोगों से जानते हैं। आप ग्रामीण है, यहीं कराने वाले? क्या नाम है? आपको पता है ये काउंटर खुला है, कैसा काउंटर है? पता है। इससे क्या सुविधा आप लोगों को मिलेगी? अरे जाति निवास दाखिल जो ब्लॉक में होता था अब यहीं सब काम। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। चलिए, आपका क्या नाम है सर? ये काउंटर खुला है इसकी मालूम थी आपको? तो इससे क्या फायदा मिलेगा? और भी सुविधा ऑनलाइन होगा, ये सारी सुविधाएं यहाँ से प्राप्त हो। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आपको यहाँ से क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, नमाज पढ़ेगा, अब आप लोग कम काम कैसे कराएंगे? अब आपको वहाँ जब दौड़ने की जरूरत है, प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आपका क्या नाम हुआ? हिनाचल। आप क्या जानते हैं इसके विषय में? धन्यवाद। आइए, अब इस विषय में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी दीनबंधु दिवाकर जी उपस्थित हैं, जानते हैं इसके कार्यक्रम के विषय में दो शब्द। नमस्कार। टीवी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के स्तर से जो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जो उनका चिंतन है, उसके तहत जनता के पास आकर जो आरटीपीएस से संबंधित जो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत जितने भी प्रावधान थे, जितनी भी सुविधाएं दी जा रही थी, उनको वही गांव में चलकर, यानी जनता का काम जनता के पास चलकर पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, उसी के तहत ये एक छोटा सा संस्था शुरू किया गया है। और यहाँ पर इस यूनिट के द्वारा, इस इकाई के द्वारा सरकार आरटीपीएस के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आइए जानते हैं इसका क्या कार्यक्रम है, इसकी पद्धति क्या है, इस संबंध में थोड़ा सा यहाँ प्रमुख साहब भी उपस्थित हैं, इन लोगों से बातें करते हैं दो सब, ताकि इनसे पता चल सके कि इसका कार्यक्रम क्या है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, आइए, यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी और प्रमुख साहब हैं वीरेंद्र मांझी, उनसे जानते हैं इसका कार्यक्रम और इसके पद्धति के विषय में कि किस टाइप का होता है, कैसे होता है, क्या सहूलियत मिलेगी, इस संबंध में जानते हैं वीरेंद्र मांझी से। सर, आप नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र मांझी हुआ और ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो सरकार चलकर आपके द्वार, सरकार चलकर आपके द्वार के तहत ये योजना है, जिसके तहत यहाँ आरटीपीएस पर जितनी सारी सुविधाएं मिलने वाली है, मिलती है, उन सारे सुविधाओं को यहाँ प्रदान किया जाएगा।
जैसे कि हमारे आरटीपीएस पर जाति निवास आय जन्म मृत्यु का पंजीकरण और भूमि संबंधी जो निर्देशन खारिज दाखिल होता है उससे संबंधित कार्यकलाप हैं। ये सारे जो लोकसभा अधिकार के अंतर्गत जितनी सारी सेवाएं आती है उन सारी सेवाओं को यहाँ से प्रदान किया जाए। यहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण स्तर पर लोगों से जुड़ने की जो सरकार की योजना है उसके तहत यह संचालित होगा और निश्चित रूप से यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं इस पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे थोड़ा सा दो सब बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये काउंटर खुला है, आप जानती हैं इसके विषय में? चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? आप कौन से पद पर यहाँ हैं? अच्छा, तो यहाँ आपका ड्यूटी कब से कब तक का है? लोगों को यहाँ से सुविधाएं दे रही है? धन्यवाद। सचिव उपस्थित हैं, जानते हैं उनसे दो सब इसके विषय में, इसके कार्यक्रम के विषय में, इससे क्या सुविधाएं मिलेंगी ये मैं जानता हूँ, इसे पूछते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम रामदेव त्रिपाठी, मैं पंचायत सचिव पंचायत का। आप बताएं इसमें क्या क्या होता है? अरे लोक सेवाओं के अधिकार के अधिकार अधिनियम के तहत काउंटर खुल रहा है, टीपीएस काउंटर। लोगों को पहले बहुत परेशानी होता था, ब्लॉक जाकर के अपना काम कराने के, और पंचायत के अंतर्गत जितना भी काम होगा सब यहीं से होता था, पंचायत के अंतर्गत। यानी कि इससे लोगों का समय का भी बचत होगा? हर तरह से सुविधा मिलेगा यहाँ, हर तरह से, और समय भी बचत, अब परेशान भी नहीं होगा लोग, सारा काम यहीं से। इसका यहाँ पर ड्यूटी किसका होगा, कौन आदमी यहाँ पर सब ड्यूटी करेगा लोगों की मदद करने के लिए? यहाँ जैसे कि तटपालक सहायक है। TV1 इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया। नरकटियागंज में आज माले कार्यकर्ताओं ने पोखरा चौक से विरोध मार्च निकाला, जो शहर के मुख्य सड़क होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पहुंचा और पुतला दहन कर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए माले नेता कामरेड मुख्तार मियां ने कहा कि सुशासन का राग अलापने वाले मोदी नीतीश की सरकार में आज रोजाना 10-15 मासूम बच्चे मर रहे हैं, जो करीब एक माह से जारी, और यह आंकड़ा 150 करीब हो चुका है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने पूर्व के वाद पुनर्जीवित करते हुए एक बार फिर से वादा पर वादा कर रहे हैं। आखिरिया जुमलेबाजी कर मासूम बच्चों के जान के साथ क्यों खेल रहे हैं, जो कि समझ से बाहर है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए माले नेता यासिर अरफात ने कहा कि 150 मासूम बच्चों की मौत के सौदागर केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और प्रलयंकारी चमकी बुखार पर बिहार को राजकीय आपदा घोषित कर प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। तथा माले नेताओं ने कहा कि हर स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र तथा प्रखंड से लेकर जिला अस्पताल तक इमरजेंसी सेवा बहाल करने की मांग की। वहीं विरोध मार्च व पुतला दहन कार्यक्रम में माले नेता कामरेड केदार राम, ध्रुप राम, बाल कुंवर राम, सुकट साहनी, यूनिस मियां, नजरे आलम आदि सैकड़ों माले नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बेतिया। TP वर्मा कॉलेज के प्राचार्य द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था और विकास को लेकर कॉलेज परिवार कटिबद्ध है, जहां विश्वविद्यालय के आदेशानुसार स्नातक प्रथम खंड सत्र 2018-2021 का रजिस्ट्रेशन बिना विलंब शुल्क के साथ 25 जून तक ऑनलाइन होगा। वहीं परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ उपलब्ध कराया गया है। कैशलेस रजिस्ट्रेशन, नामांकन, सभी तरह की व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों की सुविधा के लिए किया गया है। कॉलेज में किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए हेल्प डेस्क तथा टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है, जिसे छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वही मौके पर सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं, उसका हेल्प डेस्क बना गया है, जो कैशलेस हम शुल्क जमा करा रहे हैं, मतलब बैंक के माध्यम से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, काउंटर पर हमें किसी तरह की परेशानी न हो। साथ साथ अब आने वाले समय में छात्रों को और उनके अभिभावकों को यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि बैठ कर के भी हम लोग तय करेंगे, तो नियमित महाविद्यालय आए, हम हर हाल में वर्ग का संचालन करेंगे। हमारे पास अभी सीमित साधन है, सीमित शिक्षक हैं, बावजूद इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि कोई भी क्लास सफल नहीं है।
दूसरा चीज की योगा दिवस के दिन हम लोग विशेष रूप से हम लोग की भागीदारी होगी, महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से यह कार्य होगा। और पर्यावरण दिवस के दिन भी हम लोगों की सक्रिय भागीदारी रही, वृक्षारोपण हुए और महाविद्यालय के दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी की तरह हम लोग हेल्प डेस्क बनाए हैं जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और उनके कैरियर के साथ जो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है जिसमें बहुत लोगों का अभी पेंडिंग है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय जाकर के ताकि उन लोगों को सब चीज़। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बेतिया।